कटिया औरत, निकल जा मेरे घर से बाहर। आज के बाद ना मुझे अपनी घटिया शक्ल मत दिखा दियो। तेरा बोरी बिस्तरा सारा पैक कर दिया, तेरे अलमारी से सारे कपड़े सारे गहने पैक कर दिए। दफा हो जा मेरे घर से, और आज के बाद ना मेरे घर की तरफ भी अपना मुंह मत कर दी। तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया, बात खत्म। ठीक है? क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? कल तक तो सब ठीक था। कल तक सब ठीक था? मुझे बहुत दिन से तेरे ऊपर डाउट हो रहा था कि तू मेरे पीठ पीछे गुछल्ले उड़ा रही है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मैं ही बेवकूफ था जो तुम पे ट्रस्ट कर रहा था। तुमने क्या सोचा है, अपने भोले से पति को पागल बनाओगी, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर चलाओगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा है? ये जो गुछल्ले उड़ा रही थी ना, इसका डाउट मुझे बहुत टाइम से था। कल रात जब तुम सो रही थी ना, तुम्हारे फोन का लॉक खोल के मैंने सारी चैट पढ़ ली लौंडे राहुल के साथ। तुम क्या समझती हो मैं बच्चा हूँ? मेरे को तुम्हारे इशारे समझ नहीं आते। चैट करते वक्त जो फेस पे स्माइल आती है, उसके पीछे का राज मुझे समझ नहीं आएगा। बेटा मैं अभी ना बहुत तेज हूँ, आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता तो खत्म ही हो चुका है। अब तू आज से आजाद हो गई है, अब मेरा भी डर नहीं है तुझे। खुल के जी, चैट कर, ऐश आराम कर, जो तेरे को करना है वो कर, मेरी लाइफ से चले जा। मैंने लॉयर से बात कर ली है, थोड़े दिन में तेरे घर में पेपर्स आ जाएंगे, उसको साइन कर दियो, डिवोर्स कर दियो और जीने दियो मुझे। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मैंने कोई बच्चा प्लान नहीं किया था तेरे साथ, वरना तुम उसकी भी जिंदगी खराब कर देती। कटिया औरत, निकल जा मेरे घर से बाहर। इसी राहुल के साथ चैट पड़ी है ना तुमने मेरे लिए? हाँ, क्या दिखा रही है, शानी मत बन ज्यादा, ठीक है ना? तेज होगी, अपने घर पे होगी, निकल जा यहाँ से। हेलो रिया। हेलो, हाँ क्या हुआ? अच्छा मुझे तुझसे कहना था, वो जो हम नाटक कर रहे थे ना एक चैटिंग वाला, उसके अब कोई जरूरत नहीं है, तो अब नहीं करेंगे वो। क्यों? अरे बता दिया क्या सब उसको? हाँ मैं करती हूँ तुझे थोड़ी देर में बात, फ्री होके। ठीक है, सुन लिया? यही राहुल था। ये कोई राहुल नहीं, मेरी फ्रेंड है रिया। मैं ये सब नाटक कर रही थी, मेरा नकली अफेयर था, क्योंकि तुम्हारा असली था। आई मिस यू टू मेरी जान, सॉरी आई वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा आज,
बीवी ने थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, नाटक करती है, मेरे लिए टाइम नहीं है ये वो, थोड़ा सा नाटक तो करना पड़ता है ना। वैसे मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही रहता 24 घंटे, माई पर्सनल सेक्रेटरी। मेरी जान हो तुम, सच में आज ऑफिस नहीं आया ना, पता है ऐसे लग रहा है खाली खाली सा, अधूरा अधूरा सा। जब तो तुम्हें देखता नहीं हूँ ना तो चैन नहीं आता दिल को, बाई गॉड लव यू टू। कल साथ में बैठेंगे वॉशरूम में, कल बाहर चलते हैं ना, मोयो मोयो। कब से जानती हूँ मैं कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है अपनी कलीग के साथ, पूरा पूरा दिन ऑफिस में स्पेंड करते हो, इतनी लेट आते हो, मेरे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते थे। और उस दिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी कलीग के साथ फोन पे बात करते देखा तब मेरा शक यकीन में बदल गया था। पर मैं करती भी क्या, तुमसे कुछ कहती तुम उल्टा मुझसे लड़ाई करते, अपने आप को सही प्रूव करते, और मैं तुम्हारे बिना रह तो सकती नहीं थी, तो मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। तो ये सब मैंने प्लान किया था कि मैं तुम्हें वही फील कराऊं सेम जो मैं फील कर रही थी। अब पता चला जब आपका पार्टनर आपके साथ चीट करे तो आपको कैसा फील होता है। मैं तो कब से झेल रही थी ये सब कुछ, पर तुमसे एक वर्ड तक नहीं कहा मैंने। जैसे मैं तुम्हारी इज्जत हूं ऐसे तुम भी मेरी इज्जत हो, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है मेरी तरफ कुछ। अब पता चला मैं कैसे दर्द से गुजर रही थी। सॉरी, वो लड़की बस मेरी अच्छी दोस्त थी, धीरे धीरे थोड़ा पास आ गई तो पता नहीं मैं भी शायद थोड़ा अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन अब नहीं करूँगा कोई, मतलब कोई रिश्ता नहीं रखूँगा उसके साथ। मुझे माफ़ कर दे यार, सच में आपका पति या आपकी पत्नी जब आपको धोखा देती है तो वो मौत से कम नहीं होता। सॉरी यार, वैसे तूने मेरी सही अकल ठिकाने लगाई। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तेरे को चीट नहीं करूँगा, और तू भी मेरे साथ ऐसे प्रैंक वैंक मत करियो यार, मैं जल के राख हो गया था भाई। और सॉरी।